तंगलंगला पे हाल फिलहाल में अभी बर्फ गिरी है। उंगलियां सुनो भी है, हाथ की भी और पैरों की भी, क्योंकि बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। स्नोफॉल कंटिन्यू चल रहा है और एक पार्टनर आगे भाग गया है, उसको फिर पकड़ेंगे। हमें नहीं देखा? हाँ, हमने उसको देखा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारू लद्दाख। आज कारू में ही रुके थे, सॉरी कल रात हम कारू में रुके थे। आज सुबह लगभग अब 7:30-8 बजने वाले हैं और यहाँ हमारा सामान बिखरा हुआ है। आज चल रही है तैयारी, पहुंचेंगे हम सरचू जो लद्दाख और हिमाचल का बॉर्डर है, जहाँ हमने सेकंड नाइट स्टे किया था। और ये जो कारू है ये 35 किलोमीटर दूर है लेह से। लेह लद्दाख की राजधानी है और ये नेशनल हाईवे नंबर 3 पर पड़ता है, जहां से चांगला के लिए रास्ता अलग होता है। तो सुबह का चाय नाश्ता हमने यहीं ले लिया, खुद ही बना लिया और पैकअप भी हो गया। चल रहे हैं आप तंगलंगला की ओर। थोड़े से तंग होंगे क्योंकि तंगलंगला नाम ही तंगलंगला है, तंगों के नीचे चढ़े तो क्या चढ़े। चलो चलते हैं। सूर्य चक्र RCC, अभी हम उपसी पहुंचे हैं। यहाँ से लोमा न्योमा हल्ले के लिए लेफ्ट साइड और मनाली चंडीगढ़ सरचू तंगलंगला राइट साइड। बारिश हो रही है इसलिए हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके। यहाँ हम सुबह का नाश्ता लेंगे, पराठा और चाय, ये हमारा सुबह का नाश्ता होता है। अभी ये ब्रिज है यहाँ पर, ये इंडस रिवर के ऊपर है। अब सिंधु नदी को हम छोड़ देंगे और इससे दूर हट जाएंगे, क्योंकि सिंधु नदी के साथ साथ जाएंगे तो हम वापस हल्ले पहुंच जाएंगे, जहां हम जाके आ चुके। और ये जो सिंधु नदी है ना, ये वो नदी है जो पाकिस्तान की सबसे प्रमुख नदी है। जो भी नदी इसमें मिल जाएगी ना, वो नदी अपना अस्तित्व खो देगी और खत्म हो जाएगी। लेकिन सिंधु नदी जब तक समुद्र में नहीं मिलती तब तक सिंधु नदी सिंधु ही रहती है। चीन, भारत और पाकिस्तान तीन देशों को मिलाने वाली नदी सिंधु नदी। बारिश बंद हो चुकी है, हल्की फुल्की फुहार रह गई और हमारे साथी एक बाइक का फिल्टर निकाल रहे, क्योंकि अब तंगलंगला की चढ़ाई है तो तंग ना हो उसके लिए पहले ही फिल्टर निकाल देते हैं, एयर फिल्टर। ऑक्सीजन भरपूर मिलेगी गाड़ी को और गाड़ी सबसे आगे दौड़ेगी। ये निकाल दिया जी। और यहाँ हमने पद्मा चौकड़ी रेस्टोरेंट पराठा लिया था, चाय ली थी, बहुत मस्त खाना मिल गया। ये जी नीरू। और इस रास्ते का यानी कि उपसी से छोड़ने के बाद, सिंधु नदी को छोड़ने के बाद पहला गांव तंगलंगला की ओर जाते हुए, हरा भरा क्षेत्र सूखे पहाड़ों के बीच में। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी रूम्स पे पहुंचे हैं और ये जो गांव है ये लास्ट गांव है तंगलंगला की ओर जाते हुए।
बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, हमारे दो पार्टनर तो आगे निकल गए, शायद वे भीगते हुए ही तंगला पर चढ़ेंगे, और हम दो पार्टनर अभी एक साथ है। हमारा देखो ये हाल है, 50% तो हम भी भीग चुके हैं, तो जब जब बारिश आएगी तब तक टू व्हीलर वाले ऐसे ही परेशान रहेंगे। तो बारिश हो गई बंद रूम से, रूम वैसे लिखा है RUMTSE, टी साइलेंट है, तो रूम से हो गया। रूम से लास्ट विलेज है इस रोड पर तंगलंगला से पहले, तो हमारे साथी शायद तंगलंगला के आसपास ही कहीं या तो रुके होंगे या फिर चलते रहे होंगे, और बता रहे हैं यहाँ के जो लोकल है कि तंगलंगला पे हाल फिलहाल में अभी बर्फ गिरी है, मौसम ज़्यादा बिगड़ गया था, तो अब हम भी चलते हैं क्योंकि बारिश लगभग ख़त्म सी हो गई, काफ़ी देर रुके हम 20 से 25 मिनट, चलो चलते हैं बढ़ते हैं आगे। देख रहे हो ये सब स्नोफॉल हो रहा है ऊपर पहाड़ों पर, पहाड़ की पीक पे आ गया और नीचे बारिश ऊपर बर्फबारी। अभी और ऊपर चढ़ना तंगलंगला पे, 20 मिनट्स लेटर। देख लो जी पहुंच गए तंगलंगला और स्नोफॉल चल रही है अभी भी बर्फबारी हो रही है, और ये हमारी बाइक आराम आराम चढ़ तो गई लेकिन हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही, और एक पार्टनर तो शायद नीचे जा चुके, देखते हैं यहाँ कैसे भी है। देख लो जी क्या हालत हो गई हमारी, उंगलियाँ सुन हो गई है, हाथ की भी और पैरों की भी। अब जल्दी जल्दी नीचे उतरने की कोशिश करेंगे ताकि डबरिंग में पहुंच के वहाँ हम रुकेंगे, अगर वहाँ भी मौसम खराब हुआ तो वहीं नाइट स्टे लेंगे, और मौसम ठीक हुआ तो थोड़ी देर रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ अब शायद कैफे है वो बंद हो चुका है, तो हम कैफे में भी चाय नहीं ले सकते, तो चार फोटो लेते हैं और निकलते हैं नीचे की ओर क्योंकि बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही, स्नोफॉल कंटिन्यू चल रहा है, पीछे बहुत ज़्यादा था, यह थोड़ा सा कम है बस, और हाइट बहुत ज़्यादा है, और ये जो यहाँ की हाइट है 17,482 फीट समुद्र तक से, तो ये बहुत ही खतरनाक टॉप है, अब तक का हमें सबसे खतरनाक लगा। चलते चलते हमारे सभी पार्टनर मिल गए थे, ये दो पहले आए हुए थे और हम तीन इकट्ठे चल रहे थे, अब पांच बंदे एक साथ और एक पार्टनर आगे भाग गया है, उसको फिर पकड़ेंगे। और ये वही पॉइंट है जहां हंड नाइट का स्टे किया था हमने, और यहाँ से हम शोमोरी के लिए अलग हो गए थे, और ये पूरा सर्किट ईस्ट लद्दाख का कवर करके अब यहाँ पे आके मिले है, एक तरह से हमने बलून बना दिया क्योंकि कबरिंग को हमने छोड़ दिया है, वहाँ पे DSL के नेटवर्क है पोस्टपेड कनेक्शन, और यहाँ से पूरे प्लेन स्टार्ट हो जाता है। जो आप देख रहे हो इधर वो गदा हमारे प्लेन में, इसी की वजह से इस एरिया को क्यांग चू थांग कहते हैं, क्योंकि क्यांग एक जंगली गदा जो भूखा प्यासा इस सूखे रेगिस्तान में ठंडे रेगिस्तान में मर जाता है, और यहाँ पर जो वनस्पति है उसके नाम से नुकीली घास है और कुछ नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक कोई पानी नहीं है, कोई बर्फ नहीं है, सूखा इलाका। जाना है।
नजारा देख, नजारा ये एडवेंचर करेंगे शायद ये। अच्छा एक फोटो ले लेते हैं यहाँ का। 2022 में हमने तो किनारे पे बाइक लगा दी थी। हाँ, कितनी देर पहले निकला वो? निकले वो तुमसे ही मिल रहा है, हमसे नहीं मिल रहा। क्या तुमसे ही लगा उसका? हमने उसको देखा, यहाँ बैठ गए। अच्छा, वो पीछे रुका हुआ था, इसका मतलब वो आगे तो वहाँ रुका उसने बाइक, हमने यहाँ लगाई, हम यहाँ रुके, यहाँ बैठ गए। अच्छा, बैठा उसके बाद वो निकल गया, हमने देखा निकल गया, गाड़ी रुकी नहीं उसकी, कॉन्टेक्ट नहीं हुआ कुल मिला के। हमने उसको देखा, उसने नहीं देखा। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पांग में रुके थे, हमारा जो एक पार्टनर काफी देर से हमसे अलग चल रहा था वो यहाँ पर रेस्ट कर रहा है, सो रहा था, तो वो अभी यही नाइट स्टे लेगा क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है। उसने कहा मैं कल आ जाऊँगा, तुम आप जाओ, हमने आज का टारगेट सरचू लिया है और हमारी ये चार बाइक रेडी है चलने के लिए। चलो चलते हैं सरचू की ओर। हर हर महादेव। Moments later. आगे वाली ब्रेक नहीं माने जाइए इधर पत्थर में। हम गेंद हो गए हैं।